नमस्कार, स्वराज एसएस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनावी घमासान है। मध्य प्रदेश की झाबुआ तो वहीं छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा और चित्रकूट सीट पर उपचुनाव जो हो रहे हैं, इनमें दंतेवाड़ा विधानसभा में आज वोटिंग भी हो गई है। अब बारी मध्य प्रदेश के झाबुआ और छत्तीसगढ़ के चित्रकूट की है। दंतेवाड़ा में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हमले में मौत होने के बाद उपचुनाव हुए हैं, तो झाबुआ में बीजेपी के विधायक गुमान सिंह डाबोर और चित्रकूट में कांग्रेस के विधायक दीपक वैज के सांसद चुने जाने के बाद सीट रिक्त होने पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये तीनों चुनाव मध्य प्रदेश की कमलनाथ और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के लिए जनमत परीक्षण की तरह है। दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार को बने 9-9 महीने हो गए हैं। ऐसे में इन चुनावों के परिणाम को सरकार के कामकाज के मूल्यांकन के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे देखा भी क्यों न जाए, आखिर दोनों ही जगह कांग्रेस अपनी सरकार के काम गिनाकर वोट जो मांग रही है। किसानों की कर्ज माफी दोनों राज्यों में समान मुद्दा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में सरकार ने वनवासियों को वन भूमि पट्टा देने, आदिवासियों को जमीन वापस लौटाने, तेंदू पत्ता तोड़ाई की मजदूरी बढ़ाने, जल जंगल जमीन के संरक्षकों के साथ न्याय जैसे मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोट मांगे। वहीं विपक्ष ने सरकार की कथित नाकामियां जनता के सामने गिनाई। छत्तीसगढ़ में आज से ही दंतेवाड़ा का चुनावी दंगल भी समाप्त हो गया है और इंतजार नतीजों का है जो इसी हफ्ते आएंगे। तो झाबुआ और चित्रकूट में आज से ही चुनावी संग्राम की रणभेरी भी बच चुकी है। दरअसल इन दोनों सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। 3 अक्टूबर को नाम वापसी के साथ ही चुनावी शोर यहां शुरू हो जाएगा। इन हालातों में आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिष्ठा का सवाल बने इन उपचुनावों की, जनता मांगे जवाब की खास पेशकश प्रतिष्ठा का पेच। तो दंतेवाड़ा में नक्सलियों की धमकी को ठेका दिखाते हुए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही सभी 9 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला कर दिया है और इंतजार 27 सितंबर का है, जब पता चलेगा कि परिणाम किसके पक्ष में आएंगे। जीत बीजेपी या कांग्रेस प्रत्याशी की होगी या फिर कोई और मैदान मारकर सभी को हैरान करेगा। दंतेवाड़ा के चुनावी समीकरण को समझने के लिए बीते चुनाव परिणामों को देखें तो 2013 में कांग्रेस की देवती कर्मा ने बीजेपी के भीमा राव मंडावी को तकरीबन 6,000 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भीमा मंडावी ने कांग्रेस के मनीष कुंजाम को लगभग 12,000 वोटों के अंतर से मात दी थी। इसी तरह इससे पहले 2003 में कांग्रेस के महेन कर्मा ने सीपीआई के नंदाराम सोरी को शिकस्त दी थी। इस तरह देखें तो यहां चुनावी परिणाम लगातार बदलते रहे। वही अब की बार दंतेवाड़ा में किसका दम देखने को मिलता है, इस पर चर्चा शुरू करें। चलिए उसके पहले हम दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में उपचुनाव की वोटिंग संपन्न होने के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। नक्सलियों की दहशत के बीच इस सीट पर 55% के करीब मतदान हुआ। अब ज्यादा वोट किसकी झोली में गए, ये तो 27 सितंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। शुक्रवार के दिन घोषित होने वाले परिणाम से किसी भी दल की जीत और हार का फैसला तो होगा ही, साथ ही ये छत्तीसगढ़ की सियासत में नए समीकरण भी तय करेगा। दरअसल बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में से एकमात्र दंतेवाड़ा ही वो सीट है जो बीजेपी के खाते में आई थी। अगर उपचुनाव में भी वो हारती है तो बस्तर से उसका सफाया हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के सामने सरकार की साख बचाने जैसी चुनौती है। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीती कांग्रेस के वोटों का ग्राफ कुछ महीने बाद ही हुए लोकसभा चुनावों में खिसक कर नीचे आ गया था। अब ऐसे में अगर कांग्रेस इस सीट पर हारती है तो विपक्ष इसे भूपेश सरकार के कामकाज के जन मूल्यांकन के तौर पर पेश कर सकता है। इधर कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि बीजेपी को विधायक भीमा मंडावी के निधन से उपजी सहानुभूति की लहर का लाभ मिला है, क्योंकि वो खुद महेंद्र कर्मा के निधन के बाद उनकी पत्नी देवती कर्मा को चुनाव मैदान में उतार कर ये प्रयोग पहले ही कर चुकी है। बता दें कि इस बार इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही जेसीसी, सीपीआई,
और आम आदमी पार्टी के साथ कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी के ओजस्वी मंडावी और कांग्रेस की देवती कर्मा के बीच भी हुआ है। अब इनमें कौन किसको मात देकर अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाता है, इसके लिए 27 सितंबर को आने वाले नतीजे का इंतजार करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए अब दंतेवाड़ा के दंगल पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता है श्री चंद्र सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरपी श्रीवास्तव जी। साथ ही दंतेवाड़ा से हमारे स्वराज संवाददाता रूपेश गुप्ता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रूपेश आपसे ही, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और क्या भीमा मंडावी जी के साथ उनकी हत्या हुई है तो कोई लहर है बीजेपी के साथ या संपत्ति देव है? देखिए, पहली चीज की अभी जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो जिक्र किया गया है वो ये किया गया है कि 54.15% मतदान रिपोर्ट हुई है। ये अंतिम आंकड़े हैं, यानी कि आंकड़ों का प्रतिशत बढ़ेगा। मेरा अपना अंदाज है कि 60 के आसपास ये आंकड़ा जा करके, या 57 से 60 के बीच में आप कह सकते हैं कि फिक्स होगा। अगर 2013 के चुनाव की बात करें तो उस समय भी आंकड़ा करीब 60% से कुछ ज्यादा था। तो ये कुल मिलाकर के जो उम्मीद थी, इस जो रिफ्लेक्शन वो परसेंटेज ऑफ वोट में जो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है वो ये दिख रही है कि मतदाताओं का वैसा रुझान नहीं था, वैसा इंटरेस्ट नहीं था जैसा पहले के चुनाव में हुआ करता था। इसका मतलब साफ है कि जिस बात का जिक्र आपने किया कि क्या कोई लहर है, क्या कोई सहानुभूति की हवा है, तो ऐसा नजर नहीं आया, ना ग्राउंड में नजर आया, ना आंकड़ों में नजर आ रहा है। ये जरूर चर्चा है, क्योंकि हम बाजार गए, हाट बाजार में मछली बेचने वाले, मुर्गा लड़ाने वाले से लेकर के शहर में जो दुकानों में बैठते हैं, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। तो दरअसल ये चुनाव जैसा कोई माहौल था ही नहीं। एक जैसा प्रचार में, हालांकि ये पिछले कुछ चुनाव में साफ तौर से नजर आ रहा है कि चुनाव में प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है इलेक्शन कमीशन के, लेकिन उसके बावजूद जो रोड शो हुए, चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो चाहे भाजपा की ओर से हो, उसमें जो नजारा नजर आया उसी समय लगा कि वाकई में इस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। लेकिन पब्लिक के बीच में बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जिनके पास कोई नेता पहुंचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी मतदाताओं की तारीफ करनी होगी कि आज जो कई ऐसे इलाके हैं जहां पे, जो नारायणपुर जिले के इलाके हैं जो विधानसभा दंतेवाड़ा में आते हैं, उन जगहों पर नदी पार करके लोग वोट डालने आए, नक्सलियों का कोई खौफ नजर नहीं आया, क्योंकि जिस श्यामगिरी में 9 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी भीमा मंडावी की, वहीं पे जो मतदान का प्रतिशत था जब हम वहां पहुंचे थे 50% क्रॉस कर चुका था, यानी कि काफी उत्साह था और लोग सुबह से लाइन में लगे हुए थे। यानी कि जिन इलाकों में अच्छी वोटिंग होती है वहां पे अच्छी वोटिंग हुई है, और रुपेश बिल्कुल नहीं होती थी, रुपेश वहां भी कुछ संख्या में निकले। रुपेश, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी आपने आकलन किया है, बताया है, काफी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बड़ी छोटी सी चीज जो हमेशा होती रही है, सामान्यतः उपचुनाव जो सरकार होती है उसके पक्ष में जाते हैं। अगर अभी तक के आंकड़े जितने भी उपचुनाव हुए हैं, सामान्यतः बहुत ही विरोध की लहर बह रही हो, अभी 9 महीने हुए हैं तो कोई ऐसा विरोध सरकार के खिलाफ नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार के पक्ष में जाता दिख रहा है थोड़ा बहुत सामान्यतः, क्योंकि सारे अधिकारी उनके होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ दिख रहा है आपको? और कर्ज माफी का मुद्दा, अगर कर्ज माफ नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट दिए गए हैं, वो कितना प्रभावी रहा, थोड़ा संक्षेप में? देखिए, जो दंतेवाड़ा का इलाका है वो मोस्टली जंगल का इलाका है, और चूंकि जो बस्तर का रीजन है वहां पे खेती होती है लेकिन उस तरीके से नहीं होती है जो मैदानी क्षेत्र में होती है, तो शायद इसका सही अनुमान लगाना जरा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो चीज मुझे नजर आ रही है कि सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा नजर नहीं आया। सरकार के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा जब की जाती है तो लोग यही कहते हैं कि अभी सिर्फ 9 महीने हुए हैं, यानी कि उनको इंतजार है कि सरकार क्या कुछ करने जा रही है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखें कि 6 दिन पहले तक ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन जब भूपेश बघेल, जो कि मुख्यमंत्री हैं,
उन्होंने रोड शो किया तो फिजा अचानक से बदल गई और उसके बाद जो वहां के बुद्धिजीवी हैं, जो बारीक नजर रखते हैं, जमीनी पकड़ रखते हैं, उनका यह मानना था कि कांग्रेस अब एज की स्थिति में है, कांग्रेस को एडवांटेज मिला है, क्योंकि उससे पहले डॉक्टर रमन सिंह ने सभाएं की थी, रोड शो किए थे, लेकिन जितनी पब्लिक उनकी शो में, उनके सभाओं में जुटी थी, उससे ज्यादा भूपेश बघेल ने अपनी सभा में इकट्ठा कर लिया था और जो स्ट्रांग मैसेज दिया था, कहीं ना कहीं उसका एक फायदा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि तेंदुपत्ता 4000 रुपए प्रति मानक बोरी कर दिया गया, अंदरूनी इलाकों में उसका भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बात वहां तक पहुंची है कि अब उनको तेंदुपत्ता के ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके अलावा जो आपको याद होगा कि 13 नंबर का जो ब्लॉक है अडानी को जो दिया जाना था, उस पर रोक लगाने से जो अंदर के ग्रामीण हैं, जो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वहां भी एक पॉजिटिव सिग्नल था। लेकिन जो कांग्रेस के हक में बात नहीं है, वो है कर्मा परिवार के जो बाकी लोग हैं, उनकी उनको लेकर के जो एक्सेप्टेंसी है वो वैसी नहीं है जैसी देवती कर्मा को लेकर के थी या फिर उससे पहले महेंद्र कर्मा को लेकर के थी। तो कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस के लिए चिंता का विषय था। लेकिन भूपेश बघेल जब गए, पीएल पुनिया वहां पहुंचे और उन्होंने सीधे सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया और वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम किया। इसका असर आज भी देखने मतलब रूपेश वंशवाद को लेके, रूपेश वंशवाद को लेके थोड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। वंशवाद को लेकर के नहीं, क्योंकि देवती कर्मा की एक्सेप्टेंसी है, लेकिन अगर उनके बेटों की बात की जाए, बेटियों की बात की जाए, तो जैसे सोशल मीडिया में उनकी बेटी का एक धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा थी शहरी इलाकों में, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे ये सब मुद्दे नहीं है। और असल चीज ये है कि जब ये शहरी वोटर्स ज्यादा होते हैं या जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे जो लोग जागरूक हैं, वोट वहां से ज्यादा गिर रहे हैं या फिर जो रिमोट के इलाके हैं वहां से वोट ज्यादा गिर रहे हैं। चलिए, निश्चित तौर पर रूपेश बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी के लिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके पास फिर से आऊंगा। सुंदरानी जी, जिसके जिस नाव पे बैठ के आप बैतरणी पार करने का सोच रहे हैं, सिंपथी वेव, वो नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए त्रिपाठी जी, वो तो 27 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव में जो परिणाम आए उससे बहुत बेहतर चुनाव परिणाम आएंगे। जहां तक कांग्रेस तो पहले दिन से हताशा और निराशा के वातावरण में काम कर रही थी, जिस प्रकार डॉक्टर रमन सिंह जी को सभाएं नहीं करने दी गई, परमिशन नहीं दी गई, डॉक्टर रमन सिंह जी को बदनाम करने के लिए ऐसे मामले उछाले गए जिससे डॉक्टर रमन सिंह जी का कोई लेना देना नहीं था, महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र, देवकी कर्मा के सुपुत्र खुलेआम कहते फिर रहे थे, मीडिया में उन्होंने बयान दिए कि कांग्रेस 10,000 वोट से पीछे चल रही है, महेंद्र कर्मा, देवकी कर्मा की बेटी खुलेआम लोगों को धमकी दे रही थी कि अगर कांग्रेस के आप प्रचार नहीं करेंगे तो आपको नक्सली धाराओं में गिरफ्तार कराया जाएगा, आपके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। ये हताशा और निराशा का वातावरण दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पराजय की मुद्रा में है। भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर रमन सिंह जी ने वहां पे लगातार प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी संगठित कार्यकर्ताओं के दम पे ये एक चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव संगठित तौर पे नहीं लड़ी थी, इतनी बुरी तरह से हार हुई? बिल्कुल लड़े थे त्रिपाठी जी, 15 साल सरकार में रहने के बाद और कांग्रेस के लोग लुभावने वादे जो किए थे वो उसके कारण से एक एक्सीडेंट, एक हादसा कह सकते हैं 2018 के चुनाव का। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ब्याज सहित वसूल किया, 68 सीटों पे कांग्रेस जीती थी विधानसभा चुनाव, 66 विधानसभा क्षेत्रों में हमने। सुंदरानी जी, जो ब्याज सहित वसूल किया है वो वसूल अगर कहें कि 42 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये उनके वसूल, एयर स्ट्राइक का वसूल है। और राष्ट्रीय मुद्दे और प्रादेशिक मुद्दों में बहुत अंतर होता है सुमरानी जी, राष्ट्रीय मुद्दा था, मोदी जी के नाम पे वोट पड़े हैं। देखिए आप महसूस करेंगे 27 तारीख को परिणाम में भी बदलेगा, जब ईवीएम खुलेगी तो आप खुद कहेंगे त्रिपाठी जी, फिर मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा, आपके चैनल में आऊंगा और ये बात साबित होगी
कि हम दंतेवाड़ा चुनाव जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, और कांग्रेस के पक्ष में कोई बात नहीं है। आदिवासी कांग्रेस से नाराज हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, बस्तर के परिणामों को भी आपने देखा है, और हमने 2018 में विपरीत परिस्थितियों में सीट को जीता है। जब प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी, 68 सीटें कांग्रेस ने जीती, हम मात्र 15 सीटों पर रह गए थे, उस वक्त भी हमने भीमा मंडावी जी वहां से जीते। बिल्कुल बिल्कुल सुनारी जी, रुपेश जी हमारे बता रहे थे, हमारे खोजी पत्रकार हैं, उन्होंने बताया, अब वो किसी न बीजेपी पक्ष में बोल रहे हैं न कांग्रेस के पक्ष में, कि जो भूपेश जी का तेंदूपत्ता के मामले में जो उनकी नीति है उससे वहां के मतदाता काफी खुश हैं। राजन जी, जैसा सुंदरानी जी बोल रहे हैं, बात भी सही है कि आप लगभग सारी लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाए हुए थे, पूरी 11 की 11, और बाद में आप 2 में सिमट के रह गए, इसका असर भी तो पड़ेगा, साथ में शराबबंदी का बहुत बड़ा असर पड़ेगा जो आपके घोषणा पत्र में था। ऐसा है त्रिपाठी जी महाराज, पहली बात तो ये है कि हम जो 2 सीट जीते हैं, पहले 1 थे, उसके बाद में 1 सीट और जीत गए। कारण तो आपने अपने बात में कह दिया था कि पुलवामा की घटना, वो सब उसको अलग दरकिनार करते हैं जी। मगर जो 2 सीट हम जीते थे उसमें 1 बस्तर की सीट भी जीते हैं जी। और दूसरी बात यह है त्रिपाठी जी, अब तो चुनाव संपादित हो चुके हैं, अब मेरे छोटे भाई श्रीचंद सुंदरानी दंभ करें या मैं छाती ठोक के कहूं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो नऊ नऊ कितने बाल अभी 27 तारीख को सामने आ जाएंगे। मगर मैं कुछ बातें थोड़ा दूसरी कहना चाहूंगा। एक तो सुदूर वनवासी इलाकों में आप जाएं त्रिपाठी जी, तो आपकी आत्मा लरज उठेगी। जिस तरह का जीवन वो बिताते हैं बेचारे, चिलचिलाती धूप में, बरसते पानी में, कड़कड़ाती ठंड में, तो ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए कि उनका विकास हो। इसको कर्म की बजाय कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए, और बल्कि मैं आगे बढ़कर के कहूं तो इसको धर्म के रूप में लेना चाहिए। तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। भूपेश बघेल जी ने आते के साथ, अभी रूपेश जी ने भूपेश जी के बारे में बताया कि 4000 जो 2500 मिला करता था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उसको बढ़ा करके तेंदूपत्ता की मजदूरी 4000 किया। इसके अलावा रूपेश जी ये भी बताइए कि कैसे आदिवासियों की अधिकृत की गई जमीन वापस किया। एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी, कि जिस तरह से वहाँ 41.5% बच्चे कुपोषण के शिकार है, और उनके कुपोषण को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रुचि लेकर के भूपेश बघेल जी ने काम किया है, हम अंडा प्रदाय कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि अंडा क्यों दे रहे हो, मगर आदिवासी इलाके में तो मांसाहार स्वाभाविक होता है, तो उनको प्रोटीन की जरूरत पूरी हो, इसलिए उनके समग्र दोपहर के भोजन में कुपोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तिवारी साहब थोड़ा सा रोक मेरा, मेरा एक वाक्य सुन लीजिए, एक वाक्य सुन लीजिए बस, कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसके बाद जो परिणाम होगा देखेंगे, और अगर हम जीते जिसकी संभावना लग रही है तो वो बड़ी बात होगी, क्योंकि ये सीट पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी। सत्ता आपके पास है, बड़ी बात होगी तिवारी जी, सत्ता आपके पास है, पार्टी का हारना और बड़ी बात होगी उनके। तिवारी जी सत्ता आपके पास है, और एक सवाल भी है हमारा आपसे, बड़ा छोटा सवाल है, सवाल इस बात का है, बिल्कुल बहुत अच्छी आपकी सोच है, भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम करने जा रही है, धूप पहले भी निकलती थी, ठंड पहले भी पड़ती थी, कड़कड़ाती ठंड में भी वो जीवन बसर करते थे, धूप भी चिलचिलाती थी, तो ये 2003 के पहले भी धूप पड़ती थी और कड़कड़ाती ठंड आती थी, कुपोषण का मामला भी 2003 के पहले था, 1993 से 2003 की बात कर रहा हूं मैं। जितना भी कार्य हुआ त्रिपाठी जी, वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, और मैं आपसे बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी के आने के बाद में जितना दौरा वहाँ पर भूपेश बघेल जी ने इन 8 महीनों में किया है, उतना दौरा तो पिछले 10 साल में शायद डॉक्टर रमन सिंह जी ने नहीं किया था, और वो प्राथमिकता के आधार पर एक बस्तर विकास प्राधिकरण बनाया गया है, जिसका अध्यक्ष वहां के स्थानीय विधायक को बनाया गया है, ताकि रोजमर्रा का काम, बस्तर के विकास से संबंधित काम वही निपटाए। तो हम इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं ले रहे हैं जी।
मैं बार बार कहूंगा, हम इसको धर्म और अपने कर्तव्य के रूप में ले रहे हैं कि कैसे वहां के नौनिहाल हमारे बच्चों के समतुल्य खड़े हो सके, उस दौड़ में उनके साथ बराबरी का दौड़ कर सके। वहां शिक्षा की समस्या है, वहां जबरदस्त समस्या है नक्सलवादियों की, और हमारे हमने तो अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है। अब नक्सलवाद को वहां समाप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वहां पर कई निरपराध आदिवासियों को गिरफ्तार करके डाल दिया गया था, उनकी सबकी सुनवाई हो रही है, और जो निरपराध लोग थे जिनको नक्सल गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं था, जिनको केवल दुर्भावना पर सरकारी अधिकारियों ने या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तार करवाया था, उनको छुड़ाने की कार्रवाई भूपेश बघेल जी की सरकार बिल्कुल, कर रही है। बिल्कुल, और मैं जैसा मैं कहूँ वो बस्तर के मामले में, आदिवासी क्षेत्र के मामले में वो निरंतर नजर रख रहे हैं। बिल्कुल तिवारी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने जैसा कि बीजेपी सरकार में दावा होता रहा है कि नेक्स्ट स्लाइड सिकुड़ते जा रहे हैं, दायरा सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन जब केंद्र सरकार को अनुदान लेने की बात होती है तो जिले बढ़ जाते थे। आप उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा, आप निश्चित तौर पे दायरा सीमित करेंगे। अबे पारे जी, क्या लग रहा है? दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने वादे कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। क्या लगता है कौन सा मुद्दा इस बार उपचुनाव में हावी होगा? हालांकि उपचुनाव में सामान्यतः ये बात अलग है कि बीजेपी के एमएलए रहे हों, लेकिन सामान्यतः प्रशासन का दबाव आ जाता है, वो भी ऐसी स्थिति में जब भूपेश बघेल दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाए हों। देखिए त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही बात है कि एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि उपचुनाव में वही पार्टी चुनाव जीतती आती है जिसकी सरकार होती है जी। तो वो प्रभाव तो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी रुपेश भी बता रहे थे कि पूरे चुनाव में कोई ऐसी लहर दिखाई नहीं थी जी। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो दंतेवाड़ा जो इलाका है वो महेंद्र कर्मा की कर्मभूमि, हालांकि पूरा बस्तर उनकी कर्मभूमि था, लेकिन ये सीट जो है वो कर्मा जी यहाँ से जीत कर आते थे जी। उनके देहांत होने के बाद, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी वहां से चुनाव जीती। अब जो पिछला चुनाव हुआ जिसमें एक 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 पूरी वेव चल रही थी मतलब कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी के खिलाफ, उस दरमियान बस्तर से इकलौती सीट जो मिली बीजेपी को वो दंतेवाड़ा सीट थी जहां कर्मा परिवार का अच्छा खासा दखल है, प्रभाव है। तो पहली तो ये चीज सोचने वाली होगी कि इतने वेव जो जहां 68 सीटें कांग्रेस लेकर के आ रही है वहां से एक बस्तर, और वो भी कर्मा जी का इलाका, वहां से मतलब देवती कर्मा का हार जाना, और हारना भी कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, मेरे ख्याल से 2,500 2100 वोटों से वो हारी है जी। तो कांग्रेस के लिए ये कोई बहुत बड़ी चुनौती भी नहीं है कि 2100 वोट को पाटना 9 महीनों में, और 9 महीनों में ऐसी कोई बहुत नाराजगी भी नहीं है। तो मुझको जो लगता है ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस के लिए, वो 2100 वोट बहुत माने रखते हैं। जब आप अगर कांग्रेस के विजयी प्रत्याशियों की जीत और हार का अंतर देखेंगे तो 35-35 40-40 हजार का अंतर रहा है, ऐसे में वो 21,000। इसी तरह कांग्रेस जो दो लोकसभा चुनाव जीती है उसका भी अंतर आप देख लीजिए कितना कम है। एक 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 बात और मैं बताता हूँ आपको इसमें कि देखिए जो स्थानीय स्तर पर जो वहाँ चर्चा होती है, हम लोग यहाँ पर बैठ कर बात करते हैं वो अलग हो जाती है, कैपिटल में राजधानी में लोग अलग बात करते हैं, लेकिन जो दंतेवाड़ा इलाका है, अब दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर का इलाका है और इससे कोई इनकार नहीं है कि उस क्षेत्र में काफी काम हुआ है ना। अब दंतेवाड़ा आप पहुंच भी जाइए, रास्ते में कोई आपको तकलीफ नहीं है, ऐसा मतलब एक ठीक ठाक जगह के रूप में वो विकसित है। दंतेवाड़ा में लोगों का खास करके जो चुनाव का केंद्र है वो कर्मा परिवार है जी। क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग बात इसलिए ये नहीं करते कि भूपेश बघेल ने क्या किया या फलान कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ, वहां चूंकि महेंद्र कर्मा का नाम जुड़ा हुआ है तो कर्मा परिवार केंद्र में है। देखिए एक जन चर्चा मैं आपको बताता हूँ कि कर्मा परिवार के खिलाफ ना कुछ नाराजगी भी है। दरअसल उनके दो बेटे हैं और दो बेटियां और एक उनकी पत्नी, 5 लोग, तो इन 5ों का जिला प्रशासन में काफी हस्तक्षेप होता है और ये एक बहुत बड़ी नाराजगी थी
सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की रही हो, लेकिन महेंद्र कर्मा एक दमदार नेता थे और उनके परिवार का प्रभाव जो है उस जिले में हमेशा रहा है। तो लोगों का ये कहना होता है कि अगर कर्मा परिवार से कोई भी जीता तो जिले में 5 SP हो जाएंगे, 5 कलेक्टर हो जाएंगे, 5 विधायक हो जाएंगे जी। तो ये जो हस्तक्षेप है इससे भी वहाँ का कार्यकर्ता, वहाँ का मतदाता इसको भी जानता है, समझता है। जी, यहां एक छोटी सी बात और हार का मामला है। बड़ी छोटी सी बात, समय कम है इसलिए हम आपको बीच में बार बार टोक रहे हैं। आपने कहा कर्मा जी बहुत दमदार नेता थे, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। अगर दमदार नहीं होते तो माधव विकास कांग्रेस के चुनाव से वो कैसे एक तरह से निर्दलीय थे, माधव विकास कांग्रेस कौन जानता था। कर्मा जी वहां से चुनाव जीत गए, लेकिन जो पिछला चुनाव हारे उससे मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अगर कमलनाथ जी भी चुनाव हारे हैं और सिर्फ परिवारवाद को लेकर चुनाव हारे थे, पहली बार छिंदवाड़ा आज तक में है केवल एक चुनाव जीती बीजेपी, तो ये प्रभाव कितना इस चुनाव में पड़ेगा उनके बेटा और बेटी के प्रभाव का। जैसा कि रूपेश ने भी बताया है कि उनका ऑडियो वायरल हुआ, तो आम मतदाता आज की स्थिति में किसी की हेकड़ी या दबाव या सीधे शब्दों में कहे दादागिरी बर्दाश्त नहीं करती है, उसका कितना असर पड़ेगा। नहीं देखिए, वो उसको मैंने वो जो डैमेज होने वाला था उसको कांग्रेस पहले समझ गई थी। सविंद्र कर्मा ने को पहले ये दावा किया था कि टिकट उनको मिलना चाहिए है, और अगर और फिर उसके बाद मान मनोबल हुई, भूपेश बघेल से स्वयं उनकी बातचीत हुई, उसके बाद जो परिवार की इंटरनल लड़ाई थी उसको तो कांग्रेस ने खत्म कर दिया, लेकिन जनता के बीच उसका क्या असर गया है ये तो आपको चुनाव के नतीजों में ही पता चल पाएगा। लेकिन जो पारिवारिक लड़ाई थी, ऐसा भी नहीं इनके परिवार के बीच में टिकट को लेकर के भी हुआ कि देवती कर्मा को नहीं मिलना चाहिए, छविंद्र को मिलना चाहिए, उनके दूसरे बेटे को मिलना चाहिए, बेटी को मिलना चाहिए, ये परिवारवाद टिकट वितरण के समय सामने आया था, लेकिन उसको कांग्रेस ने बहुत ही शानदार तरीके से उसको मैनेज कर लिया, उसको ज्यादा डैमेज नहीं होने दिया। लेकिन पब्लिक के बीच में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन वो कायम है वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, इस परिवारवाद जो साफ दिख रहा है, पारे जी भी बोल रहे हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे खोजी पत्रकार रूपेश जी भी बोल रहे हैं कि परिवारवाद को लेकर थोड़ा सा मतदाताओं में कुछ कहीं ना कहीं संशय दिख रहा है, उस संशय को कैसे दूर करेंगे आप? नहीं, ये अखबारों में भी छपी ये बात और थोड़ा संशय की स्थिति थी, और पिछला चुनाव हारने के पीछे जो बहुत थोड़े से वोट से हारे उसके पीछे ये भी एक कारण था। अब मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो पिछला चुनाव भी हम दंतेवाड़ा का जीते होते, मगर इस बार त्रिपाठी जी सबसे उल्लेखनीय बात जिसको मैं उद्धृत करना चाहूंगा वो ये है कि हमारे जो प्रभारी हैं श्री पीएल पुनिया जो बस्तर के एक एक विधानसभा क्षेत्र में गए हैं, इस बार तो चुनाव के समय में 3 दिन तक वो और श्री यादव चंदन यादव जो प्रभारी सचिव हैं ये 3 दिन तक वहां डेरा डाल करके बैठे रहे। इसके अलावा व्यक्तिगत रुचि लेकर के भूपेश बघेल जी ने वो जो थोड़ी बहुत कमी थी जो पिछले चुनाव में जो कोर कसर रह गई थी उसको दूर करने का काम उन्होंने किया, वो लगातार इस चुनाव में अपना ध्यान लगाते रहे, और ये जो छोटी मोटी कमी थी जिसकी अभी चर्चा हो रही है उसकी व्याख्या मैं करूंगा तो बहुत समय लगेगा, उसको दूर करने में हम पूरी तरह से सफल हुए हैं, इसलिए सुपरिणाम हम लोगों के पक्ष में आएंगे, इस बात का हमको पूरा विश्वास। बिल्कुल तिवारी जी, बाहर के आदमी ठीक है प्रभारी हैं, संगठन ठीक ढंग से चले इसके लिए होते हैं, क्या छत्तीसगढ़ के नेताओं कांग्रेस के नेताओं पे भरोसा नहीं रहा उनको क्यों खुद बैठ गए प्रभारी और सह प्रभारी? नहीं नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो वही डेरा डाल के बैठे रहे श्री मोहन मरकाम जी, और लगातार भूपेश बघेल जी वहां दौरा करते रहे जी। मैंने इसलिए उल्लेख किया क्योंकि पुनिया जी आजकल छत्तीसगढ़ के साधारण कार्यकर्ता की तुलना में छत्तीसगढ़ को ज्यादा जानने लग गए, उन्होंने इतना दौरा किया है जब से वो प्रभारी बने हैं, इसलिए मैं उनका उल्लेख कर रहा था। मगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी लगातार एक एक गांव का दौरा करते रहे, और वो चूंकि बस्तर के इलाके के ही हैं इसलिए उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है, और मुख्यमंत्री जी के कार्यों का उनको सीधा लाभ मिल रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का उन्होंने
सफल प्रयास किया और उसका परिणाम हम लोगों को 27 तारीख को देखने को मिलेगा कि कांग्रेस अच्छे मतों के साथ में वहां जीतेगी। चलिए सुमेरा जी सवाल, लेकिन तिवारी जी एक सवाल हमारा ये है, लेकिन उसका उत्तर हम आपसे नहीं चाहेंगे, आप जैसे ओजस्वी वक्ताओं का कितना उपयोग किया गया ये इस बार हम लोगों को देखने को बहुत ज्यादा मिला नहीं। सुमेरा जी अब क्या कहेंगे आप, सिर्फ वही कर्मा जी के परिवार का विवाद यही है आपके साथ, 9 महीने में किसी भी सरकार का 9 महीने में पूरी तरह से परफॉर्मेंस आता नहीं है। देखिए नौ महीने में यू टर्न लेने वाली सरकार रही है, हर मुद्दे पे यू टर्न लिया है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी ने विकास किया, डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा बस्तर हो या पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं प्रथम स्थान रखता है, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह जी की सभाओं में भी बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई, उनकी सभाएं नहीं होने दी गई। आज दंतेवाड़ा जिला बना है तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण, अगर विकास वहां हुआ है तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण, शिक्षा का स्तर सुधरा है तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण। कुपोषण की बात आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी कर रहे थे, कुपोषण के मामले में सरकार बनते ही चना देना बंद कर दिया भूपेश सरकार ने, शराबबंदी की बात की, शराबबंदी नहीं हो पाई बल्कि शराबबंदियों को लेकर उलझाया गया, 3-3 कमेटियां बनाकर कहीं ना कहीं जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। चलिए सुमेरा जी शराबबंदी की जो बात करेगा आदिवासी उसकी दुर्गति कर देंगे। चलिए दूसरे प्रकार की है शराबबंदी के मामले में, बहुत संक्षिप्त पड़ी क्योंकि समय समाप्त हो गया है, हमें झाबुआ के विधानसभा चुनाव पे भी जाना है। जी जो अभी तक जो बात सामने निकल के आई है खास करके छत्तीसगढ़ को लेकर के, इस चुनाव में यदि कांग्रेस या सत्ताधारी दल जीतता है तो निश्चित रूप से उसके कामकाज को लेकर के एक तरह से सवाल नहीं खड़ा होगा। दूसरी बात है सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, और प्रतिष्ठा इसलिए है कि जिस लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज किया है तो शायद वो जो है, और चूंकि उसकी परंपरा सीट है, उसके अलावा एक सिंपथी वोट भी मिल सकता है, इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो दोनों दलों के लिए ये काफी प्रतिष्ठा का प्रश्न है दोनों सीटों पर। और यदि ये कांग्रेस जो है यहाँ पर चुनाव जीतती है दोनों सीटों पर तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल के कामकाज पर सवालिया निशान खड़ा नहीं होता। बिल्कुल तिवारी जी सुंदरारी जी, हम उस बुढ़िया की तरह ही दुआ दे रहे हैं, शैतान की भी जय, देवता की भी जय, पक्ष की भी जय, विपक्ष की भी जय, दोनों को हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, सुंदरारी जी, पारे जी और रूपेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब तक आगे जवाब की खास पेशकश प्रतिष्ठा का पेच में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। साथ ही ब्रेक के बाद हम बात करेंगे झाबुआ में होने वाले उपचुनाव की और बताएंगे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में कौन टिकट का प्रबल दावेदार है और कौन सा दल फिलहाल मजबूत स्थिति में है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं।